नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। इस वक्त की स्कूल कॉलेज री ओपनिंग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल रीओपन फ्रॉम टूडे, चेक स्टेट वाइज लिस्ट रूल्स एंड गाइडलाइन हेयर, यानी कि जो आज जिन स्टेटों में स्कूल खुले हैं वो हम देखेंगे, और इसके अलावा कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने आज स्कूल नहीं खोले वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं पहला कौन सा राज्य है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये फैसला आया है स्कूल कॉलेज को लेकर कि वो स्कूल हैं वो शिफ्टों में नहीं खोलेंगे। जब भी ये स्थिति सही होगी, यानी कि कोविड-19 की जो महामारी की स्थिति चल रही है वो सही होगी, तब वो संपूर्ण क्लासों को एक साथ खोलेंगे और तभी वो स्कूल खोलेंगे, तब तक नहीं खोलेंगे। ये जो कहा गया है एजुकेशन मिनिस्टर के ए सांगोटिया द्वारा कहा गया है। गोवा स्टेट से स्कूल कॉलेज रीओपनिंग को लेकर निकल कर आ रही है खबर की 2 अक्टूबर से वो स्कूल खोलेंगे और 2 अक्टूबर से भी सिर्फ 11वीं और 12वीं के स्कूल लगेंगे, बाकी की कक्षाएं बंद ही रहेंगी। पंजाब से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन को खोल दिया है और वो पीएचडी स्कॉलर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों का जो कॉलेज हैं वो आज लगेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 9वीं से 12वीं तक की क्लासें नहीं लगेंगी, सिर्फ स्टूडेंट हैं वो विजिट करने आ सकते हैं, स्कूल को देखने आ सकते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं वो स्कूल में आकर वो विजिट करके जा सकते हैं, इसके अलावा रेगुलर क्लासें वहां पर भी नहीं लगेंगी। नागालैंड से खबर आ रही है कि नागालैंड है वो पार्शियली स्कूलों को रीओपन करेगा, वो भी 9वीं से 12वीं तक, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासें जारी रहेंगी और 50% टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को वहां पे काम करना होगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से न्यूज निकल कर आ रही है कि जो सीएम हैं केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि वो स्कूल नहीं खोलेंगे, 5 अक्टूबर के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों अभी तक इतने ही स्टेटों की पुख्ता जानकारी निकली है, इसके बाद में कोई और जानकारी आती है तो मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।